बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1 ऑफ क्लास 5th, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। आवर ऑब्जेक्टिव्स आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म रीजन एंड गिव एग्जांपल्स, identify the key physical regions of Pakistan, to know about global goal number 13, climate action। आज की क्लास के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि टर्म रीजन की मिसालों से वजाहत कर सकेंगे, पाकिस्तान के फिज़िकल रीजन्स के नकात की शिनाख्त कर सकेंगे और ग्लोबल गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन के बारे में जान सकेंगे। आर टॉपिक इज़ फिज़िकल रीजन्स एंड सब टॉपिक इज़ रीजन एंड फिज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वी विल नो अबाउट रीजन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रीजन इन प्रीवियस क्लास। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म रीजन? यस, रीजन इज़ एन एरिया ऑफ लैंड। रीजन कहते हैं ज़मीन के इलाके को। हुज़ फीचर्स सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज़, जो इसे बाकी के एरिया से डिफरेंट करते हैं। दीज फीचर्स आर क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसे बाकी एरिया से डिफरेंट करते हैं, जो के हैं क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ कौन सी लाइफ होती है? यस, जंगली ज़िंदगी जिसमें वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? अनटेम्ड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसको हम घर में नहीं पाल सकते, जैसे कि एलिफेंट, मंकी, पांडा, टाइगर, लाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स जिनकी घर में ग्रोथ नहीं होती, जैसे कि स्टेमिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड फीचर, दैट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया कवर्ड विथ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ। ज़मीन का वो हिस्सा जो दरख्तों से घेरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट यानी जंगल कहते हैं। अंडरग्रोथ मीन्स श्रब्स और स्मॉल ट्रीज। इसमें ना सिर्फ ट्रीज बल्कि जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ भी होती हैं। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि फॉरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? यस, फॉरेस्ट बारिश का ज़रिया बनते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो जानवर और जो बर्ड्स जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं उनको फूड देते हैं। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या आप मुझे पाकिस्तान के किसी भी फॉरेस्ट का नेम बता सकते हैं? यस, छांगा मांगा। छांगा मांगा इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, ये मैन मेड फॉरेस्ट है। इसको मैन मेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो प्लांट्स और ट्रीज लगाए गए हैं वो इंसानों ने खुद लगाए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड फीचर, दैट इज़ क्लाइमेट। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट कहते हैं आबोहवा को। जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एटलीस्ट 30 ईयर्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो पूरा पूरा साल गर्म या पूरा पूरा साल सर्द रहते हैं, तो वो उनका क्लाइमेट होता है, जबकि जो वेदर है वो थोड़ी ही देर बाद चेंज हो जाता है।
जैसे बारिश से पहले मौसम कुछ और होता है, लेकिन बारिश के बाद मौसम चेंज हो जाता है। अब आप क्लाइमेट के बारे में जान चुके हैं, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि क्लाइमेट एक्शन हमारा ग्लोबल गोल है, गोल नंबर 13, जिसका मकसद है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। इसका मतलब है हमें जल्दी कोई ऐसा अमल करना पड़ेगा जिससे हम क्लाइमेट चेंज और उसके असरात से हम अपने माहौल को बचा सकें। क्लाइमेट में चेंज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। ज़मीन का जो टेम्परेचर जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? ठीक, इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमारी अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट में चेंज की वजह है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आते हैं कोल मींस कोयला, नेचुरल गैस एंड ऑयल। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रीज़न डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कटिंग डाउन ट्रीज, यानी के दरख्तों का काटना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ एंड क्लीन रखें, तो इसके लिए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। क्या अब आप मुझे प्लांटेशन के फ़ायदे बता सकते हैं? यस, ये बारिश का सबब बनते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं और हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। और हमारे मज़हब में भी दरख्त लगाना सदकाए जारिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड बैंक। फर्स्ट वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर, वाजिया, शफाफ। सेकेंड इज़ मार्क्ड। मार्क्ड मीन्स नोटिसेबल, निशानदेही करना। जैसे यहाँ पे कराची को मार्क्ड किया गया है एक सर्कल से। थर्ड इज़ वाइल्ड लाइफ, नॉन डोमेस्टिकेटेड। रिपीट विद मी, नॉन डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड लाइफ के बारे में अभी हमने पढ़ा, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स आते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम घर में नहीं पाल सकते, और वाइल्ड प्लांट्स जिनकी घर में ग्रोथ नहीं होती। और इनकी घर में ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे घर का टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल नहीं होता। फॉरेस्ट, लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ। फॉरेस्ट के बारे में भी अभी हमने पढ़ा, ज़मीन का वो हिस्सा जो दरख्तों से घेरा हुआ हो, जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ भी होती हैं। बिफोर स्टार्टिंग आर टॉपिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। There are 8 regions in the world: Africa, South America, Mediterranean and Middle East, Central and Eastern Europe, Western Europe, Oceania and Asia. Now we will see the characteristics on the basis of which these are called regions. These characteristics includes landform. Landform is the any natural feature on the earth's surface. ज़मीन की सतह पर कुदरती खदुखाल को हम landform कहते हैं। Second feature is climate. Third is soil, मट्टी। Fourth is natural vegetation. Natural vegetation means that plants that have not been grown by humans. ऐसे पौधे जो कुदरती तौर पे उगते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। लुक एट दिस मैप। कैन यू टेल मी इन हाउ मैनी रीजन्स आर पाकिस्तान डिवाइडेड?
Pakistan is divided into 5 main regions. What are these regions? These are mountains. These are plains. These are desert. This is Thar desert. And this is Cholistan desert. This is plateau. And these are coastal areas. Repeat with me. Mountains. Plains. Plateau. Deserts. Coastal areas. Before I'll move towards my topic, let me introduce the book, which is A Fox and Series, Social Studies, Grade 5. Page number 1, Lesson number 1, Physical Regions. Read and share. It is He who created for you all of that which is on the earth. Surah Al-Baqarah. ये वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो के जमीन पर है. First we will discuss region. A region is an area of land. Region कहते हैं जमीन के इलाके को. Whose features such as क्लाइमेट, वाइल्डलाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जिसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें आते हैं क्लाइमेट, वाइल्डलाइफ जंगली ज़िंदगी, फॉरेस्ट जंगल, जिनके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा. सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज, जो इसे दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ करते हैं. द मिडल ईस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मिडल ईस्ट इज़ आ रीजन, एक इलाका है. दैट कवर्स, जिसने घेरा हुआ है वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, जिसने वेस्ट एशिया और अफ्रीका को घेरा हुआ है. इट इज़ मार्क्ड बाय हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इसकी निशानदेही की गई है गर्म और खुश्क क्लाइमेट से. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर हिस्सों में. फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, अभी हम लोगों ने पाकिस्तान के रीजन्स के बारे में पढ़ा. कौन कौन से रीजन्स थे वो? यस, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज. पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स. पाकिस्तान को 5 रीजन्स में तकसीम किया गया है. अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फीचर्स, फितरी खुदुखाल के लिहाज से. दीज रीजन्स आर एज फॉलोस. अब वो रीजन्स कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज. अभी हमने पाकिस्तान के फिजिकल रीजन्स देखे. नाउ लुक एट दिस मैप. यहाँ आपको कुछ कंट्रीज शो हो रहे हैं, जैसे इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान. अब ना सिर्फ ये फिजिकल रीजन्स पाकिस्तान में हैं, बल्कि ये सारे इंडिया में भी हैं, चाइना में भी, अफगानिस्तान और ईरान में भी. यानी कि फिजिकल रीजन्स दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं. अब हम इनकी डायरेक्शन देखें तो इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है, चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है, ईरान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट नॉर्थ में है. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पर हमें कुछ हाईलैंड्स, लोलैंड्स और डेजर्ट एरियाज दिखाए गए हैं. डू यू नो अबाउट हाईलैंड्स? हाईलैंड्स क्या होते हैं? हाईलैंड्स कहते हैं जो अर्थ की सरफेस से ऊपर होते हैं, जो इलाके, जैसे माउंटेन्स वाले इलाके. अब जहाँ पे मैप में ये डार्क ग्रीन कलर से उन्होंने हाईलैंड शो किया है, अब मैप में जहाँ जहाँ डार्क ग्रीन कलर है वो हाईलैंड्स हैं. लोलैंड्स, व्हाट इज़ लोलैंड? लोलैंड्स कहते हैं निशेबी इलाके को.
अब जहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर है वो सारे लो लैंड्स हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट एरियाज। व्हाट इज डेजर्ट एरियाज? डेजर्ट एरियाज कहते हैं सहराई इलाकों को। उनको किससे शो किया गया है? पर्पल कलर से। अब मैप में जहाँ ये पर्पल कलर है वो सारे क्या हैं? वो डेजर्ट एरियाज हैं। लेट्स गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वी हैव लर्नड इन दिस लेसन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रीजन? यस, रीजन इज एन एरिया ऑफ लैंड हूज फीचर्स सच एज क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज। हाउ मेनी रीजन्स आर इन द वर्ल्ड? यस, देयर आर 8 रीजन इन द वर्ल्ड। इन हाउ मेनी रीजन्स आर पाकिस्तान डिवाइडेड? यस, पाकिस्तान इज डिवाइडेड इंटू 5 मेन रीजन्स। एंड व्हाट आर दीज रीजन्स? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? यस, वेदर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैप में कौन कौन से एरियाज को हाईलाइट्स किया गया है डिफरेंट कलर्स के साथ? हाँ जी, हाईलैंड, लोलैंड और डेजर्ट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन आर रीजन। आंसर, आर रीजन इज एन एरिया ऑफ लैंड। रीजन जमीन का एक ऐसा इलाका है हूज फीचर्स सच एज क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जिसके कुछ फीचर्स हैं जिनमें क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज, जो इसे बाकी एरियाज से डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द मिडल ईस्ट इज़ अ रीजन। मिडल ईस्ट एक इलाका है दैट इज़ मार्क्ड बाय, जिसकी निशानदेही की गई है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, खुश्क और गर्म क्लाइमेट से इन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर हिस्सों में। लुक एट दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देख के याद आया होगा कि हम हर साल अपने स्कूल में प्लांटेशन करते हैं। अब आपने भी अपने घर में प्लांटेशन करनी है, आपने भी अपने घर में पौधे लगाने हैं, और ना सिर्फ पौधे लगाने हैं बल्कि उनकी हिफाजत भी करनी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। ये आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट, लर्न क्वेश्चन नंबर 1 एंड डू प्लांटेशन। आर टुडे वर्क इज़ कंप्लीटेड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।